हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर। टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। If we take two rational numbers as p by q and r by s, there are two rational numbers, that is p by q and r by s. Now we are going to test equality of rational number. How can we say both rational numbers are equal? So if we multiply p by s and q i r and both be equal, then we can say the given two rational number p by q and r by s are equal. So this is the condition for equality of rational number. P by q into s is equal to q into r. So we can say given two rational number, that is p by q and r by s, are equal. Okay. Now representation of rational numbers on number line. Representation of rational numbers on number line. Representation of rational numbers on number line. So in this topic we will discuss how can a rational number be represented on a line. So this is a line for rational number infinite. This is zero. Right hand side, this is plus infinity, and in left hand side, this is minus infinity. Okay. And we take three rational number and minus 2 by 7. These are four rational number: 3 by 4, 7 by 4, 0 by 5, and minus 2 by 7. Now we will represent these numbers on given rational number line. So how can we denote 3 by 4? Since we know that in 3 by 4 the numerator 3 is less than denominator, that is 4. 3 is less than 4, it means that the fraction will be less than 1. यानी कि अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, उस कंडीशन में फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होती है। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ 3 बाय 4 लाइज बिटवीन 0 एंड 1. सो इफ यू मार्क हियर 1, देन 3 बाय 4 लाइज बिटवीन 0 एंड 1. So how can we represent 3 by 4 on this number line? First of all, denominator is 4, so we mark 0 to 1 in 4 parts. यानी हम 0 और 1 के बीच के पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सब डिवीजन इसका आंसर कर गया। Now we will want to denote 3 by 4 on this number line. So how can we know? In given 1, 2, 3 and 4 lines, we will
take only 3. In 3 by 4, हमने क्या किया 0 और 1 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसमें से हमको 3 पार्ट लेना है, यानी कि हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। सो दिस इज द प्लेस वेयर 3 by 4 इज टू बी डिनोटेड। नाउ वी विल वांट टू डिनोट 7 by 4 ऑन दिस नंबर लाइन। इन दिस गिवन नंबर वी नो 7 इज ग्रेटर देन 4 मींस द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1 मींस जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमको 1 से ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा इसको हम देखने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से। 7 डिवाइडेड 4 तो इसका कुछ डेसिमल में हम वैल्यू को फाइंड आउट होगा। ठीक है, उस वैल्यू को हम इसके आगे डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो इन दिस वे एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द रेशनल नंबर लाइन। ठीक है, राइट टू 0 एंड बिटवीन प्लस इनफिनिटी, यानी 0 और प्लस इनफिनिटी के बीच हम किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इन द सेम वे वी कैन आल्सो डिनोट एनी नेगेटिव रेशनल नंबर ऑन द गिवन रेशनल नंबर लाइन। सो हाउ कैन वी डिनोट अ नेगेटिव नंबर, दिस इज -2/7 मींस जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे वो जीरो और -2 के बीच लाइक एंड मेक इट मींस दैट ऑल द नेगेटिव रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो, इट मींस दैट -2/7 इज लाइक हियर। सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट, सिंस -2/7 is also less than -1, it means that इसकी जो वैल्यू होगी 0 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम 0 और -1 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन द गिवन 7 सब डिवीजन वी टेक 2 मींस 1 एंड 2। सो हियर -2/3 and -2/7 is located. So in this way we can represent any positive rational numbers or negative rational numbers or any equivalent rational number जो हमने डिस्कस किया है, किसी भी तरह का रेशनल नंबर हो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और